लाल ही फर्स पै रहा जिदे उपर लेजर लगी हुई है जिदा कि खेतों के पदरे कर दे रही ट्रैक्टर के नाल लेजर नाल करा फेर के उस पदरा किया जाता है। पर फर्स पाने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे ट्रैक्टर वांगू एक मशीन का इस्तेमाल करना किया जा रहा क्योंकि ये जरा साइड पर कैमरा फिट है आ जरा जरा कंट्रोल करता है ये फर्स पाने कुछ सूत का भी डिफरेंस नहीं रहता, बिल्कुल पदरा साफ। सारा कुछ ही ये लेजर के नाल ही कंट्रोल किया जा रहा है। और इस साइड पर मटीरियल जिहड़ा मशीन के नाल ट्रक मिक्सर के नाल आ रहा है मकान के उपर या किसी बिल्डिंग से लेंटर पाना हो सलाबा उपर नहीं आएगा। ये भी एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। और इस पास जरा इस मशीन के नाल पत्रा किया जा रहा है, बिल्कुल साफ है। ये हत्था नाल जिन्ना मर्जी को कारीगर मिस्त्री हो भी नहीं इन्ना कर सकता सफाई के नाल जिनी सफाई के नाल इस लेजर मशीन के नाल काम हो रहा। यह लेजर नूं कंट्रोल करने वाला कैमरा है जिहड़ा कि जिहड़ी मशीन चल रही है उन्हों कंट्रोल करता है। उपरों देखो किस तरह घूम रहा है। और ये फर्श एक दिन पहला पाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्श है। गोडाउन तैयार हो रहा नवा, उस गोडाउन के इस तरीके इस विधि के नाल फर्स पाया है जिसकी म्याद भी ज़्यादा है, सफाई भी वध है। फर्स पाउण तो कुछ देर बाद इहदे उत्ते पानी खड़ा करना हुंदा तां जो कि फर्स दे विच किसी किस्म दीआं कोई तरेड़ा ना आ जाए, उहदे लई पानी खड़ा करना पैंदा। और इस वेले कीता होया पानी खड़ा। ये लेजर कंक्रीट मशीन है जिहड़ी साइज वड्डी है और बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि पहली जिहड़ी आपां देखी है वह थोड़ी छोटे साइज है, ये काफ़ी वड्डे साइज है। तो ओंकार बिल्डर की मशीन है
जे किसी ने भी कोई वड्डे पत्थर ते फर्श पाउणा होवे जल्दी पाउणा होवे तो बेशक यह नंबर है, इस नंबर ते कंट्रैक्ट कर सकदा है और अपने काम नूं वधिया क्वालिटी दा ते जल्दी कर सकदा है। ओंकार बिल्डर्स, ये उन्हां दा मोबाइल नंबर है। इहदा इस मशीन का S10A मॉडल है। और बहुत ही रीजनेबल रेट पे काम किया जाता है इस बिल्डर्स वालों। ये बहुत बड़ा एक गोडाउन तैयार हो रहा है जिदे को जिसका काम फर्श पाउंदा इस गोडाउन का ओंकार बिल्डर्स कोल है। और अपनी ही मशीनरी दे नाल ये सारा काम खुद करते हैं। ये जिन्ना काम हो रहा है सारा ओंकार बिल्डर्स का अपना ही है, चाहे वह ट्रक हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे ये रोड रोलर्स हो। इन्हां नूं कोई भी इतों तक प्लांट भी अपना जितों समान आ रहा, इसलिए कोई भी चीज़ इन्हों रेंट पर लैके नहीं आनी पैंदी और वधिया क्वालिटी की चीज़ देंदे ने। एक गड्डी चेंज करके दूजी लग गई है, ये मटीरियल देन लगी है। हुण इस पाइप के बीच भी घुक के बाहर आऊगी और इन्हां दी अपनी ही सारी लेबर है जिहड़ी टैक्निकल है, क्योंकि बंदा ये नहीं भी मंडी चो फड़ के लै आओ तो उन्हूं कम का पता नहीं, सिर्फ दिहाड़ीदार ही बंदा होवे। ये सारे जिन्ने ही इन्हां दे मजदूर लगे हुए ने सारे टैक्निकल ने। बहुत ही प्रेशर के नाल ये कंक्रीट बाहर आ रही है इस पाइप के बीच भी। और मिनटा सकेंटा के बीच ही ये गड्डी नूं खाली कर देगी। जिहड़ा कल पर्स पाया उहदे विच ग्रूमिंग देण दे लई ग्रूमिंग ई निशान लगाए गए ने तां जो कि पर्स जिहड़ा उह किसे तरह बाद विच क्रैक ना आ जाण पर्स दे विच। उहदे लई इहदे विच आ लाइनां जिथे जिथे लगियां ने इह ग्रूमिंग बनाउणी है। इह मशीन है जिहदे नाल पर्स दे विच ग्रूमिंग दित्ती जाणी है।
ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜ 'ਚ ਰਗੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏਗੀ।